गुरु नानक देव जी ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधक का एक उत्तम मॉडल हुआ करता था। बुंदेल, परिहार और चंदेल राजाओं के काल में यहां तालों, तालाबों पर जो काम हुआ, वो आज भी जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिंध, बेतवा, दसान, केन और नर्मदा जैसी नदियों के पानी ने बुंदेलखंड को समृद्धि भी दी, प्रसिद्धि भी दी। यही चित्रकूट, यही बुंदेलखंड है जिसने वनवास में भी प्रभु राम का साथ दिया, यहां की वन संपदा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों, सवाल ये कि समय के साथ यही क्षेत्र पानी की चुनौतियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया, क्यों इस क्षेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे, क्यों यहां की बेटियां पानी वाले क्षेत्र में शादी की कामना करने लगी। इन सवालों के जवाब महोबा के लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तोबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा ले, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। साथियों, इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे यहां के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे,
लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बांधों तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बुंद बुंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। भाइयों और बहनों, इन्होंने कैसे काम किया, इसका एक उदाहरण ये अर्जुन सहायक परियोजना है। वर्षों तक ये परियोजना लटकी रही, अधूरी पड़ी रही। 2014 के बाद जब मैंने देश में ऐसी लटकी हुई परियोजनाएं, ऐसी लटकी हुई सिंचाई योजनाओं का रिकॉर्ड मंगवाना शुरू किया, अर्जुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की, अनेक स्तर पर चर्चा की, लेकिन बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई और आज ये परियोजना आपको, बुंदेलखंड के लोगों को समर्पित है। दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं।